उस तक कैसे जाएं? तो ये है यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा रोपवे का पास से, बीच का, ब्रह्मपुत्र नदी का साइड से। अभी साइड का बहुत किनारा सूख गया है, बालू वालू हो गया है, तो अच्छा बीच बन चुका है। हम यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ऊपर से रोपवे आते हैं जाते हैं, और वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा उमानंदा मंदिर है, जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है। ऊपर जो व्हाइट कलर का वही है। यहाँ पे फेरी सेवा भी है, सिर्फ फेरी सेवा ही है फिलहाल, और प्राइवेट बोट भी लेके पहले जा किस सकते तरह हो। डर लगा? तो हम हैं अभी रोपवे का वेटिंग एरिया पे, मैं और ये पूरा फुल्ली एक्सेसिबल है। वहाँ रैंप है और वहाँ पे लिफ्ट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, अपडेट दूंगा कैसे हम लोग जाते हैं। फुल्ली एक्सेसिबल है व्हीलचेयर के लिए, कोई भी आप आना चाहते हो तो आ सकते हो गुवाहाटी रोपवे। तो यहाँ पे रैंप की सुविधा, यहाँ पे आके केबिन रुकती है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी अच्छी तरह है, यहाँ पे रैंप बनाया हुआ है, और वो रहा आपका ट्रॉली जो आ रहा है, वहाँ से हम लोग को चढ़ना है। आने दीजिए तो मैं दिखाता हूँ। ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से जा रहा है, नीचे नदी है और ये इसका टावर है, बस ऊपर चढ़ है और ये नीचे जाने का है। एक हल्का सा स्विंग के साथ देख लो, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम यहाँ पे सबके साथ। आदित्य को ज़्यादा डर लग रहा है, इसकी डर से हवा टाइट है। आगे आगे तो यहाँ से नीचे चले जाए, डायरेक्ट छुटके से कितना मजा है। ओह माय गॉड, डायरेक्ट नीचे जाने को पड़ जाऊंगा पागल। और यहाँ पे एक छोटा सा टीपू है जहाँ पे टावर बना कर रखा है, बहुत ही सुंदर दिखने में। और यहाँ पे लोग चींटी के तरह दिखते हैं। उमानंदा मंदिर है ऊपर से, जाते वक्त मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। पास पड़ गया था इसलिए खानी पा, और सामने से दूसरा एक रोप वे आया हुआ है। से उस तरफ जाने के लिए दूसरा है जो कि खाली है, जाने में कोई इंसान ही नहीं है इसमें देख रहा हूँ मैं। शायद यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है सब, कोई जा नहीं रहा है, पूरा खाली है, बस एक कोई बैठ के जा रहा है और कुछ नहीं। नीचे पानी अच्छा बह रहा है, वहाँ पर अच्छा ही नाव बढ़िया लग रही है। अभी यहाँ का लास्ट एंड आने वाला है, जो ब्रिज या नदी खत्म होगा, लेकिन एंड जो है वो हम लोग का वहाँ तक है। लाल ब्रिज पार को बोलते हैं नॉर्थ गुवाहाटी, गुवाहाटी से हम नॉर्थ गुवाहाटी पहुँचने वाले हैं। आ चुके हैं यहाँ, आप देख सकते हो रोपवे टर्मिनल गुवाहाटी म्यूनसिपल की डिपार्टमेंट अथॉरिटी नॉर्थ गुवाहाटी, और यहाँ पे इसका एंड है, यहाँ पे हमें उतरना पड़ेगा। वहाँ लिखा हो उत्तर गुवाहाटी स्वागतम, मतलब उत्तर गुवाहाटी में आपका वेलकम है अच्छे से एक साथ। और नीचे ये रास्ता है और उधर आपका बीच का साइड है, बहुत ही अच्छे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे।
यहीं पे हम उतरने वाले हैं, तो उतरते हुए आपको देखेंगे। मजा आ रही है, बहुत ही सुंदर जगह है, जरूर आप आओ एक बार। गुवाहाटी आते हो तो जरूर यहाँ पे आना, आपका दिल खुश हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ श्योर। और इधर सही, यहाँ पे हम लोग सब कोई हैं और भी बहुत कोई हैं, और ये रहा इसके कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी शाम का बहुत ही अच्छा सनसेट बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, मतलब फ्लावर नहीं है, और ये फ्लावर आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है अभी, इतना अच्छा सनसेट। तो छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए यार, वाह, वहाँ के मैया ठीक है ना, और यह है उमानंदा का मंदिर, जो कि आइलैंड से कुछ आया था। देखो, तब मैं दिखा नहीं पाया था। यहाँ पे नाव से आते होगे ना? हाँ। भाई बड़ा दिन दे रही थी, छोटा से छोटा ही बना। वहाँ भी अच्छा है यार, अच्छा है यहाँ तो। यह मंदिर कौन सा पता है? नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो यही मस्त 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 फीलिंग आने वाली है यार, बहुत ही झटकेदार मिला दिया। पता नहीं कहाँ यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए बैठने के लिए। आदित्य एक बार और आऊंगे वापसी। ओए बच्चे कहाँ गए यार, घूम रहे बच्चे, कहाँ घूम रहे बच्चे, छोटे 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 बच्चे हैं, बच्चे हैं बड़े हैं सब कोई है। तुम्हारे बच्चे घूम रहे नीचे, वो रखी हुई है हमारी स्कूटी नीचे कार के साइड में, यहाँ से थोड़ा नीचे जाना है, नीचे तक है, बहुत नीचे है, बन रहा है, चलो चलो क्या नहीं बता, चलते रहो, चलो स्कूटर के पास, चलो चलो
और ये हम आ चुके हैं अपने स्कूटर के पास। हाँ, अब हम घर पे जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।